नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में। जी हाँ, जिसकी शुरुआत आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे और ये वंदे भारत ट्रेन अभी इस वक्त रांची स्टेशन पर मौजूद है। इसका हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर ट्रेन में सवार कुछ बच्चे हैं जिनसे बातचीत करते, जो पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का आनंद ले रहे हैं, स्कूली बच्चे बातचीत करते हैं इससे। रेलवे के बच्चे जो है कोच है कितनी बनती है और किस तरह से वो वंदे भारत ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं। वंदे भारत में जो पहली बार बैठे और बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपना देश प्रगति कर रहा है रेलवे के मामले में। ये फील आ रहा है इस ट्रेन में बैठकर? हाँ। ओके, तो कोई कंपटीशन हुआ था आपके स्कूल में? नहीं, हम लोग के स्कूल में रैंडमली 20 बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए थे। अच्छा। और उन्हें आज लेके आया गया। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी तो वो बताया नहीं गया है, वो हम लोग को फर्स्ट राइड ऐसे दिया गया है इस टिकट से। पहली बार सब अपनी टिकट ये टिकट अवेलेबल है। तो कैसी फीलिंग है स्कूल की तरफ से जाना, एक टाइप का मॉल वंदे भारत का ट्रेन? ये सब दोस्तों के साथ है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, प्राउड भी फीलिंग है कि इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इंडियन रेलवे को बिल्कुल चेंज सा कर दिया है, बहुत अच्छा। इससे पहले क्या इमेज थी आप लोगों की वंदे भारत आने के बाद, कैसे चेंज हो गया है? थोड़ा तो चेंज हो गया था, पहले इतना क्लीन नहीं था, इतना बहुत ज़्यादा मतलब कैमराज वगैरह लग गए हैं, टॉयलेट्स बहुत क्लीन है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। बहुत जल्दी भी ये ट्रेन पहुँचा गया। यस मैम, वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे हैं, बोकारो जा रहे हैं। बोकारो जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम बहुत सुना था, इससे पहले ट्रैवल किया कभी? नहीं, इससे पहले नहीं किया था, ट्रैवल नहीं किया। अच्छा, तो क्या स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ था आप लोगों को बुलाने के लिए? हाँ हुआ था। क्या कंपटीशन हुआ था? ड्राइंग कंपटीशन ऐसे और स्पीच। स्पीच कंपटीशन, आप किस में जीते थे? हम ये स्पीच पे। स्पीच पे, स्पीच की दो लाइन अगर आप अभी सुना सकते हो तो क्या लिखा था आपने? स्पीच में ये लिखे थे कि जैसे कि भारत कैसे, भारत जैसे विकसित हो रहा है वैसे रेलवे भी विकसित हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यस मैम, पहले तो हाँ सुने थे, देखे भी थे, पर ट्रेवल नहीं किए थे, हाँ मौका मिला है पहली बार। आप कुछ लिख कर भी लाए हो, क्या है ये? मैम ये स्पीच है। क्या स्पीच जो आपने स्कूल में दी थी? यस मैम। दो लाइन आप सुना सकते हो? यस मैम, बताइएगा। मैम ये स्पीच वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में है, तो उसके बारे में हमको बोलना है। द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इज इनिशिएटिव बाय द इंडियन रेलवेज विच प्रोवाइड्स यूनिकली डिजाइंड सेल आउटलेट्स फॉर लोकल्स टू सेल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स इज नाउ ऑपरेशनल एट 1037 स्टेशंस नेशन वाइड। This scheme is designed by the National Institute of Design Ahmedabad. This scheme is providing welfare of local artisans, porters, weavers, travels, etc. PrabhatKhabar.com. Vishwas Vahi. Raftaar Nayi.